गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुजी की कृपा सिनेमास एकेडमी। आपके साथ जो है एक हिमाचल स्टेट के इकोनॉमिक बजट की सीरीज प्रैक्टिस कर रहे हैं एमसीक्यूज की। तो आज की हमारी सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलेवेंट हैं। तो देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच एक्ट विल बी फोकस्ड ऑन ड्यूरिंग मुख्यमंत्री आपके जो है सुरक्षित बचपन अभियान कैंपेन। गवर्नमेंट हिमाचल स्टेट ने एज अ वेलफेयर स्टेट चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन के लिए ये कैंपेन जो है लॉन्च किया है। इस कैंपेन में कौन सा लीगल एक्ट जो है वो एक्टिवेट होता है? तो क्योंकि हम अब की ले रहे हैं यहाँ से सुरक्षित बचपन, सो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ अ सेक्शुअल ऑफेंस और सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन। तो दैट मीन्स हमारे यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट जो है वो एक्टिवेट होगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ डिस्ट्रैक्टर में क्या है कि ये एक्ट का ईयर हमें पता होना चाहिए, बिकॉज दिस एक्ट वॉज इनैक्टेड ऑन इन द मंथ ऑफ मे 2012। सो दैट मीन्स ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। जुबिलेंट जस्टिस और चाइल्ड लेबर का एक्ट यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इसका फोकस है दैट इज टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन अगेंस्ट एनी सेक्शुअल डिफेंसेस, राइट? सो दैट मीन्स हेयर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू हिम उन्नति। सो दैट मीन्स हमें यहाँ पर हिमाचल स्टेट की प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं हिमउन्नति। बट ये हिमउन्नति कौन से फील्ड में, ये हमें पता होना चाहिए। ये जो स्कीम है अभी रिसेंटली इस बजट में एग्रीकल्चर के फील्ड में लॉन्च की गई है। सो इन दिस इनिशियल फेज दिस स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू क्लस्टर अप्रोच एंड क्लस्टर्स विल बी आइडेंटिफाइड इन द एंटायर स्टेट। अब इस क्लस्टर्स में वी आर गोइंग टू एनहांस दिस एक्रो क्लाइमेट जोन, सो दैट जो है हम मिनिमम हर स्कीम में वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई 40 बीघास ऑफ लैंड, राइट? एंड दिस स्कीम विल इनकॉर्पोरेट ऑल द जीका फेज प्रोजेक्ट्स इटसेल्फ। सो देखते हैं इस पार्ट से हमारे ऑप्शंस जो है ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट हेयर। सो हमारा आंसर जो है वो डी है, बिकॉज हिम प्रगति इज द स्कीम अनाउंस्ड इन दिस बजट, राइट? एंड इन दिस स्कीम का जो एम है दैट इट इज द मोस्ट इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम। और ये स्कीम किस पर फोकस करती है? हमारे एग्रीकल्चर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे। तो फ्रेंड्स, पेपर 3 इकोनॉमी में ऑलरेडी हमें ये टॉपिक है, सो प्रिपेयर दिस वेरी वेल अंडर दिस हिमउन्नति। और द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होगी। हिमाचल स्टेट के सभी 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर किए जाएंगे, जीका प्रोजेक्ट को भी लिया जाएगा और फर्स्ट फेज में 150 करोड़ विल बी अवेलेबल। सो ये हमारी बजट की भी इंफॉर्मेशन है। जैसे जैसे आप बजट डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद इन एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा। What is the name of the scheme launched by the government to provide housing assistance to widows and single women by the Himachal government? तो देखते हैं, मुख्यमंत्री डेस्टिट्यूट विडो पेंशन स्कीम है या मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना है या महिला शक्ति केंद्र स्कीम है या इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम है। सो हमारे पास दिस हैज लॉन्च द स्कीम मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना है, जिसके तहत गवर्नमेंट जो है 1.5 लाख का जो है फाइनेंशियल एड्स दे रही है, ताकि इन विडोज को जो है ना कि सिर्फ इनके हाउसेस कंस्ट्रक्ट हो सके, बल्कि इन हाउसेस में उनको बेसिक जो है वो एमिनिटीज भी जो है वो प्रोवाइड हो, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्रिंसिपल दैट द स्टेट गवर्नमेंट विल फॉलो वाइल लुकिंग आप द चिल्ड्रन विच आर कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। दैट मीन्स ऑर्फन चिल्ड्रन को जो है आश्रय देने के लिए गवर्नमेंट ने ये जो स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत जो है CSR और MLAs के फंड्स के थ्रू जो है इसको यूज़ किया जाएगा। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि सरकार ही माता, सरकार ही पिता, प्रिंसिपल है सरकार ही सहायक, सरकार ही शिक्षायक, सरकार ही निर्देशक, सरकार ही आपका निर्माणकर्ता और सरकारी अधिकारी से सरकार ही सेवक। सो क्योंकि सुख आश्रय है और ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए है, तो हमें पता है कि जिसका प्रिंसिपल है वो है कि सरकार ही माता और सरकार ही पिता। सो रिमेंबर दिस पार्ट में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना हैज बीन लॉन्च फॉर द चिल्ड्रन। मे बी दे आर ऑर्फन्स, दे आर स्पेशली एबल्ड, दे आर इन द नीड ऑफ द केयर अप टू 27 ईयर्स ऑफ देयर एज, दे कैन स्टे इन दैट पर्टिकुलर, दे कैन टेक द प्रोटेक्शन, दे कैन टेक द आश्रय एंड द प्रिंसिप, दे विल बी नोन एज चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, बिकॉज दे विल बी नोन एज चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट एज अ रिजल्ट। प्लीज रिमेंबर, उनका जो प्रिंसिपल है वो क्या है? सरकार की माता, सरकार की पिता। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वेलफेयर के लिए, सोशल इंक्लूजन के लिए, एम्पावर करने के लिए वीकर सेक्शन को, उनको अपलिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट का ये बहुत ही प्रोग्रेसिव इनोवेटिव इनिशिएटिव है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। डू प्रैक्टिस दीज MCQs, दे विल हेल्प यू अ लॉट इन योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।